माँ, हमारा फार्म चल गया। आप हमें यहाँ खबर देने आए हैं? अगर आपको फार्म से कुछ नहीं मिल पाया तो आपको कहीं और से लेकर आनी चाहिए। जाइए और इस बार बिना लिस्ट पूरी किए लौटिएगा। मैं हमारा फार्म चल गया। आप हमें यहाँ खबर देने आए हैं? अगर आपको फार्म से कुछ नहीं मिल पाया तो आपको कहीं और से लेकर आनी चाहिए। जाइए और इस बार बिना लिस्ट पूरी किए लौटिएगा। मैं अब नरेन व्यास को मैं बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत कोशिश की, पूछ ऐसे लेकर आ ही रहा था कि कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया। लोगों के लिए कुछ भी नहीं ला पाए तो क्या ये गले हुए लूट हम सबकी जरूरतें पूरे कर पाएंगे? जवाब दीजिए नरेन। लगता है आपको पिटने की लत लग गई। मेरे कैबिन में घुसकर मुझ पर ही हाथ उठा रही है। दाद देना पड़ेगी आपकी हिम्मत भाभी जी। हिम्मत की बात तो उस दिन कीजिएगा राहुल बाबू, जिस दिन इस फोटो की जगह नरेन बाबू की तस्वीर लगेगी और इस कुर्सी पर बैठेंगे इसके असली मालिक मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेन व्यास। नरेन, इस नेम प्लेट पर आपका नाम होना चाहिए था। आपकी जिंदगी से जाने से पहले मैं आपको आपका अधिकार दिलवा कर रहूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं जहां तुझे इतना परेशान किया जाए। माँ, क्या जिंदगी भर आप नरेन बाबू को इस घर की चार दीवारी में बंद रखेंगे? पूजा, प्लीज मुझे ऑफिस जाने के लिए फोर्स मत कर। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां सिर्फ झूठ का बोलबाला हो, जहां लोगों को सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता तो सिर्फ बैलेंस शीट से। इसी जगह दम घुटता है मेरा पूजा। बेटा, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं और कोई भी तुझ पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता। माँ, हम कब तक एक ही बात पर बार बार बहस करेंगे? अगर नरेन बाबू को उस ऑफिस के तौर तरीकों से दिक्कत है तो उन्हें बदलना चाहिए। तो मैं मानू, कमियां तो कोई भी निकाल सकता है। नरेन बाबू, वो कंपनी आपकी है तो बदलना भी आप ही को होगा। आखिरी बार पूछ रही हूं, आप काम पर जा रहे हैं या नहीं? नरेन उस ऑफिस में कदम भी नहीं रखेगा। तो ठीक है, अगर नरेन बाबू अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो रहे हैं तो इस परिवार की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी ही होगी। पूजा, पूजा तुम क्यों कर रही हो ये सब? पूजा ट्रस्ट में, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। दूसरी जगह भी टिक पाएंगे आप? कलयुग है तो झूठ और कपट का बोलबाला हर जगह रहेगा, लेकिन आपके लिए इन सब चीजों का सामना करना इतना आसान नहीं। किसी को तो घर और घर वालों की जिम्मेदारी लेनी ही है। पूजा, नरेन, मैं तुम लोगों को इस हाल में नहीं देख सकती।
मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो, जब मौका पड़ेगा तब लौटा देना। इट्स अ गुड आइडिया ना? शुक्रिया सुरभि, लेकिन उधार चुकाने के लिए भी कमाना तो पड़ेगा ही। पूजा, जो तुम समझ क्यों नहीं रही, सब लोग तुम्हें जानबूझ के परेशान करेंगे, रुलाएंगे तुम्हें। जानती हूँ नरेन बाबू, लेकिन अगर मुझे ये चीजें बदलनी है तो मुझे इन सब चीजों का सामना करना होगा, हालातों से लड़ना पड़ेगा, और मैं चुनौतियों के लिए तैयार हूं। क्या हो गया है तुम्हें पूजा? माना कि हम तुम्हें इस घर में इसलिए लाए थे ताकि तुम मेरे बेटे को संसारी बना सको, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है पूजा। नरेन पर हर बात के लिए इस तरह दबाव डालोगी तो वो टूट जाएगा, उस ऑफिस में अपने पापा के बिना सब उसे नोच खाएंगे। लेकिन कब तक आप उन्हें अपने आंचल में छिपाएंगी? अब वो बच्चे तो रहे नहीं कि उन्हें हर समय अपने माँ बाप की जरूरत हो। माँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि माँ के लिए उसके बच्चे कभी बड़े नहीं होते, और पत्नी चाहे जितना भी लाड कर ले, माँ की ममता की बराबरी नहीं कर सकती। मेरे नरेन का अच्छा बुरा मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, तुम भी नहीं। और लिख के रख लो पूजा, वहां वो लड़का घुट जाएगा, उस जगह वो कभी काम नहीं कर पाएगा, और मैं अपने बेटे को इस तरह कभी पूछने नहीं दूंगी। अगर पत्नी होकर तुम अपने पति का ख्याल रखना चाहती हो तो मुझे भी नहीं रोक सकती। कैसे समझाऊं मां, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। नरेन, तू मेरे साथ कमरे में चल, पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं, तेरा जो दिल करे तू वही कर। आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई आपको, थक गए होंगे ना? लाइए, पहले चल के हाथ मुंह धो लीजिए। बहुत सुंदर लग रही है, कुछ अलग किया ना आज। आरोपी को पत्थर मारने का समय हो गया है। सबसे पहला पत्थर फिर मैं ही मारती हूँ। अब इन्हें खोलकर घर ले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी दंड पूरा कहा हुआ है? इन्होंने खुद कहा था ना कि जब तक उनका बेटा बाजीराव उन्हें खुद पत्थर नहीं मारेगा उनका दंड पूरा नहीं होगा। बाजी मार पत्थर। Excuse me, आज एक एक्सीडेंट पेशेंट आया, खुराना नाम। देखिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स और उसके करीबी दोस्तों को ही दे सकते हैं। पता करना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। मैं आप दोनों को थैंक्स कैसे कहूँ नहीं पता, मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार है। मैं दिग्विजय खुराना। दिग्विजय खुराना, फेमस लॉयर। क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इतना क्या ईगो इशू है? आबा,
ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, उससे बात भी कर ली, अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी गलती नहीं है, आपने जो किया गलत है काका। जो आदमी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है मैं उसे सजा क्यों ना दूं? क्या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और के परिवार को बर्बाद कर दे? एक सब तौर में सुनूंगा मैं अपने पापा के खिलाफ, चुप बैठता हूं। पति के नाते नहीं तो दोस्त समझ के कर लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन मुझे बता लो कि तुम मुझे दूर क्यों जा रही। देखो अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझे डांट दो ना, मुझे गुस्सा करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो प्लीज। कितनी अजीब बात है, जब मेरी याददाश्त वापस आ गई तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जैसे तुम्हें ही कुछ याद नहीं। महाराज भाई कहाँ पे आप? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जानवी कहाँ है? जानवी, जानवी निशा दोनों घर पे नहीं। जानवी भाभी का फोन भी नहीं लग रहा है, ऐसे तो बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं।